वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 31 जुलाई 2024, और 31 जुलाई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला, 2025 में T20 प्रारूप में पुरुष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी, और किस केंद्रीय मंत्री ने आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल शुरू किया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में डेली आपको सुबह मेरी 7:30 पर ये लाइव क्लास आपको मिलती है पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। किस टीम ने महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीता, तो ये जीता है श्रीलंका ने। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी है, तो वो कर दी है रोहन बोपन्ना ने। किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्ध पोत INS तबर शामिल हुआ, तो ये हुआ है रूस देश की नौसेना दिवस परेड में। विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ सरकार कितने पीएम मित्र पार्क स्थापित करेगी, तो ये करेगी 7। किसने नई दिल्ली में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की, मोदी जी ने। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए महोत्सव निदेशक किसको नियुक्त किया गया, शेखर कपूर को। नीता अंबानी ने पेरिस 2024 ओलंपिक में कहां पर है इंडिया हाउस का उद्घाटन किया, तो ये किया है पेरिस के अंदर है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। इस प्रकार के वन लाइनर क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाते हैं, बढ़िया तरीके से वहां पर भी रिवाइज कर सकते हो। बाकी आपको ऐप के अंदर टेस्टरी चल रही है, वार्षिक करंट की टेस्टरी, इसके अंदर आपको डेली लाइव क्लास का ये टेस्ट भी शाम को मिल जाता है। तो मात्र 50 रुपए के अंदर ये टेस्टरीज आपको दी जा रही है, 1 साल की वैलिडिटी है। तो अभी भी जिस साथी ने ये टेस्टरीज नहीं ली है, तो इस टेस्टरीज का आप जरूर फायदा उठाएं। और अभी भी सभी भी अपनी जितनी भी ऑनलाइन टेस्टरीज है, इन सभी पर 50% का ऑफ आपको दिया जा रहा है। तो बढ़िया तरीके से आप टेस्टरी ज्वाइन करें। शिक्षा मनोविज्ञान है, RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की PDF अपलोड है, ये ले सकते हो। इंडियन पॉलिटी की है, और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल भारत राजस्थान है, ये भी आप ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास, 31 जुलाई 2024। पहला क्वेश्चन आपके सामने और बड़ा ही गजब का है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। हाल ही में एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अपना जो पेरिस ओलंपिक है, उसके अंदर जो खेलों का आयोजन चल रहा है, वहां पर मनु भाकर ने भारत को पहला मेडल दिलाया था। इसके अलावा अब कल इन्होंने, मनु भाकर ने भारत को दूसरा मेडल दिलाया, फिर उन्होंने पदक जीत लिया। इन दोनों ने जीता है, ये मनु भाकर है और ये सरबजोत सिंह है, इन दोनों ने मेडल जीता। लेकिन एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई, मनु भाकर है, बन चुकी है। इससे पहले भी मेडल, अभी अभी की बार भारत ने अब तक 2 मेडल जीत लिए। पेरिस ओलंपिक में भारत को दूसरा मेडल मिला। शूटर मनु भाकर और सरबजोत ने 10 मीटर पिस्टल मिक्सड इवेंट का ब्रॉन्ज जीत लिया, यानी कि ब्रॉन्ज पदक जीता है। दोनों की जोड़ी ने कोरिया की टीम को 16-10 से हराया, यानी कि दोनों की जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की जो टीम है उसको हराया। मनु भाकर ने 2 दिन पहले 28 जुलाई को 10 मीटर वीमेन्स पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2 दिन पहले ही 10 मीटर के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके साथ ही वो एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। ओलंपिक गेम्स की शूटिंग इवेंट में भारत को 12 साल के बाद डबल मेडल मिले हैं। इससे पहले 2012 के लंदन ओलंपिक में गगन नारंग और विजय कुमार ने शूटिंग में मेडल दिलाए थे। डबल मेडल का मतलब है सरबजोत सिंह और मनु भाकर, इन दोनों ने ही डबल मेडल जीता है। तो इससे पहले 2012 में गगन नारंग और विजय कुमार ने शूटिंग में मेडल दिलाए, भारत को 12 साल बाद क्या है, डबल मेडल मिला है। कौन सा देश 2025 में T20 प्रारूप में पुरुष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के अगले सत्र की मेजबानी करेगा। तो 2025 तो आपको पता है लगभग आने ही वाला है, 2024 कंप्लीट होने जा रहा है,
तो 2025 के अंदर T20 प्रारूप में पुरुष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के अगले सत्र की मेजबानी करेगा अपना देश भारत। कौन करेगा? यानी कि अपने देश अपने भारत के अंदर आगामी T20 प्रारूप में पुरुष को जो T20 प्रारूप है वो आगामी भारत के अंदर खेला जाएगा। भारत 2025 में T20 प्रारूप में पुरुष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के अगले सत्र की मेजबानी करेगा जो 2026 में देश में होने वाले T20 विश्व कप से पहले होगा। 2026 में होगा T20 विश्व कप है और ये होगा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट कप, एशिया कप होगा, तो इससे पहले होगा 2025 में। बांग्लादेश है वो 2027 में वनडे प्रारूप में इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा क्योंकि 2027 में दक्षिण अफ्रीका में वनडे विश्व कप है खेले जाने की। बांग्लादेश है ना वो 2027 के अंदर वनडे प्रारूप टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, तो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की 2025 में भारत मेजबानी करेगा। नेक्स्ट, हाल में किस केंद्रीय मंत्री ने आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल शुरू किया है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल की शुरुआत की? तो वो की है केंद्रीय मंत्री वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव है, इन्होंने आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल की शुरुआत की है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह की उपस्थिति में उत्पादों और सेवाओं से संबंधित विचारों को आमंत्रित करने के लिए आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल की शुरुआत की और ये पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली से संबंधित है व्यवहार परिवर्तन को करेगा। तो इतना ही आपको याद रखना है, ये क्या करेगा, जो उत्पाद और सेवा है उससे संबंधित ये विचारों को जो आमंत्रित करेगा उसके लिए इन्होंने आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल की शुरुआत की। हाल ही में टाइम पत्रिका की 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों में किन भारतीय स्थलों को शामिल किया गया? तो टाइम पत्रिका की 2024 के अंदर विश्व के सबसे महान स्थानों के अंदर तीन भारतीय स्थल यहां पर शामिल है, एक मुंबई, दूसरा हैदराबाद, तीसरा हिमाचल प्रदेश। तो इन तीनों के शहर हैं, तो तीनों के तीनों को विश्व की टाइम पत्रिका के अंदर विश्व के सबसे महान स्थानों के अंदर तीनों को शामिल है किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो टाइम पत्रिका ने अपनी प्रतिष्ठित सूची विश्व के 2024 के सबसे महान स्थानों में तीन भारतीय स्थलों को शामिल किया गया। पहला है मुंबई में स्थित म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कि बच्चों के लिए एक अनूठा संग्रहालय है, इसको शामिल किया। दूसरा है मानम चॉकलेट, तो ये हैदराबाद में स्थित एक प्रीमियम क्राफ्ट चॉकलेट ब्रांड है, इसको शामिल किया। और तीसरा है नार, हिमाचल प्रदेश के एक बुटिक होटल में स्थित है, नार एक प्रीमियर रेस्तरा है, ये इन तीनों को शामिल किया गया। मुंबई के अंदर एक म्यूजियम और हैदराबाद में है एक क्राफ्ट चॉकलेट ब्रांड है और हिमाचल प्रदेश में एक है प्रीमियम रेस्तरा होटल के अंदर है, इन तीनों को शामिल किया गया। हाल में भारतीय तटरक्षक बल ने किस शहर में सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 लॉन्च किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने किस शहर में सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 लॉन्च किया? तो ये किया है कहाँ पर है, विशाखापट्टनम के अंदर है, आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम में भारतीय तटरक्षक बल ने सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण है 1.0 लॉन्च किया है। तो भारतीय तटरक्षक बल ICG ने 30 जुलाई 2024 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पहले वार्षिक परिचालन समुद्री प्रशिक्षण सम्मेलन के दौरान सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 लॉन्च किया है। तो ये वार्षिक परिचालन हुआ था समुद्री प्रशिक्षण, उसी के तहत इन्होंने ये सुविधा सॉफ्टवेयर 1.0 लॉन्च किया। यह सॉफ्टवेयर एक अत्याधुनिक उपकरण है, इससे क्या होगा, जो प्रशिक्षण प्रोटोकॉल को बेहतर बनाने और भारतीय तटरक्षक बल के सभी कार्य मंचों पर है एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए इसको विकसित किया गया है। तो आंध्र प्रदेश की के विशाखापट्टनम के अंदर इसको लॉन्च किया गया। मधुमेह विज्ञान, मधुमेह देखभाल और मधुमेह अनुसंधान के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो मधुमेह विज्ञान, मधुमेह देखभाल और मधुमेह अनुसंधान के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है डॉक्टर
डॉक्टर जितेंद्र सिंह है को। ऑप्शन नंबर एक है, किसको मिला है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देश विदेश के प्रमुख चिकित्सा हस्तियों, पेशेवरों और चिकित्सकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मधुमेह विज्ञान, मधुमेह देखभाल और मधुमेह अनुसंधान के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय समर्पण के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। तो इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है, जितनी मैंने आपको ये लाइन बताई है इतना ही आपको याद रखना है। शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहाँ किया है? तो अपने शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन किया गया, ये किया गया नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहां पर किया गया, नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 के साथ दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चौथी वर्षगांठ बनाई। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था ना, एनपी 2020 की अभी चौथी वर्षगांठ बनाएगी, इसी के तहत उन्होंने क्या बनाया, अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया। शिक्षा मंत्रालय की एनईपी 2020 से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य रहा छात्रों और शिक्षकों के बीच भारतीय ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चार पुस्तकों और व्याख्यान नोट्स का भी अनावरण किया गया। तो इसमें बच्चों वगैरह, शिक्षकों वगैरह उसके लिए है इसका आयोजन किया गया। केंद्रीय जल आयोग को किस शहर में वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी के तहत GEEF ग्लोबल वाटर ट्रैक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केंद्रीय जल आयोग को यह पुरस्कार मिला है, कौन सा, वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी के तहत इनको ग्लोबल वाटर ट्रैक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहां पर किया गया, नई दिल्ली के अंदर। तो केंद्रीय जल आयोग को नई दिल्ली में मिला है ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट फाउंडेशन GEEF द्वारा आयोजित है ये कार्यक्रम। इसके तहत ग्लोबल वाटर ट्रैक समिट 2024 में वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी के तहत GEEF ग्लोबल वाटर ट्रैक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बड़ा गजब का है ये, मिला किसको है, केंद्रीय जल आयोग को ये पुरस्कार है दिया गया। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक वगैरह आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर मिलती है। जो मैं आपको वन लाइनर रिवाइज करवाता हूँ ना, उसका पोस्टर आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है, ताकि आपको टेलीग्राम पर भी रिवाइज कर सके। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, भारतीय सेना द्वारा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मंगोलिया के अंदर है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसको चुना गया, चंद्रयान 3, चांग-E5, लूना 25, SLMI मिशन? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और हो सके तो चंद्रयान 3 की पूरी डिटेल आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाती लाइक शेयर करेंगे, और LDC का तो एग्जाम नजदीक आ गया, बढ़िया तरीके से आप करंट की टेस्ट सीरीज अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑफ चल रहा है 50% का CET के लिए स्पेशल, आपको पता है अभी भी सरकार ने 40% है जो 40% है जो पात्रता इसकी कर दी, जिसके 40% अंक बनेंगे वो CET पात्रता क्लियर करेगा। और 2024 से लगभग फरवरी या 25 मार्च के अंदर 2025 में ना से पटवारी का एग्जाम होगा, उसके लिए CET बहुत ही जरूरी है। तो ये करंट की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। तो बढ़िया तरीके से आज ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।